जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यापारियों को करीब 1.5 करोड़ का चूना लगाकर फरार हुए आरोपी नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि पनागर के करीब 50 से अधिक व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुकुल जैन, जो पनागर में प्लास्टिक का व्यापार करता है, उसने अपने व्यापार और घर बनाने के लिए अलग अलग व्यापारियों से रुपए लिए, जो करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं जब मुकुल जैन से व्यापारियों ने अपने रुपए वापस मांगे तो वह आनाकानी करने लगा। वहीं मुकुल जैन के द्वारा सभी को चेक दे दिए गए हैं, लेकिन जब चेक लगाए गए तो वह बाउंस हो गए, जिसके बाद मुकुल जैन फरार हो गए। वहीं पुलिस के द्वारा रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मुकुल जैन की पतासाजी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गत वर्ष जनवरी 2023 से संबंधित व्यक्ति मुकुल ट्रेडर्स ने हम लोगों के साथ पनागर के लगभग 90 व्यापारियों के साथ अलग अलग मदों में पैसे व्यापार बढ़ाने के लिए मांगे। किसी से 1 लाख रुपए की रकम मांगी, किसी से 2 लाख, से ऐसा करते करते अधिकतम रकम 30 लाख रुपए तक मांगी गई लोगों से। और जिसको मांगने पर, समय समय पर वापस मांगने पर उसने अलग अलग कारण बताए। और अभी जब जनवरी 8, 2024 में बात का पता चला कि इस व्यक्ति ने एक दो नहीं, पांच नहीं, ऐसे लगभग 90 लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है, जिसमें हम लोग उपस्थित यहाँ 11 लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 6 महीने बाद आज कार्रवाई हुई है और संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है। क्या बोल के ये पैसे आप लोगों से लेता? व्यापार बढ़ाने के नाम पर पैसे लेता था और कहता था इसमें होने वाला जो प्रॉफिट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, किसी को 5%, मतलब 1 लाख पर 5,000, 1 लाख पर 10,000, ऐसी प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऐसा करके वह 2 लाख, 5 लाख रुपए की डिमांड करता था और हम लोगों को मोबाइल पर दिखाता था, हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये गाड़ी का सामान अगली पार्टी को पलटने वाला है, जो 25 दिन में हमें पेमेंट इनकैश कर देगी और उसका प्रॉफिट जो होगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। सर, ये मुकुल ट्रेडर्स करके ये लड़का है विद्यासागर वार्ड में, ये डिस्पोजल का व्यापारी है और इसने है तो हम लोगों से अलग अलग मदों में है तो लेकर के व्यापार को बढ़ाने के लिए और 15 दिन का लालच दे करके कि 15 दिन के लिए आप हमें पैसा दो, 15 दिन में इसमें हमारा है तो जो है तो व्यापार में है तो पैसा लगाते हैं हम, गाड़ी पलटती है और इसके बाद 15 दिन में हमारा पैसा आता है, 15 दिन में हम आपको है तो इतना इतना फ़ायदा देंगे, होने वाले फ़ायदा में से आपको फ़ायदा देंगे। और 15 दिन में पहले इसने तो हम लोगों के साथ में किया भी, कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 3,000, 15-15 दिन में फ़ायदा दे करके हम लोगों का सब बढ़ाता गया मनोबल और आखिर में ये रकम है तो सीधे 8 और 9 लाख में पहुंच गई। ऐसे करके बहुत सारे लोगों का पैसा इसने 30-35 लोगों का गबन किया है, 2 करोड़ से ऊपर का इसका ऊपर है तो बैठता है भत्ता, 170 की पुष्टि अभी हो चुकी है। आपको कितने पैसे लेने थे? 9 लाख रुपये। पनागर में ऐसे लगभग कितने लोग हैं? पनागर में लगभग ऐसे है तो 24 लोगों के तो नाम उसने है तो स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग और भी हैं जिनके नाम है, लोगों के नाम इसने बताए नहीं। अच्छा, इस रकम के बदले आप लोगों को किसी प्रकार का कोई गारंटी या चेक या कुछ? चेक देता था और चेक जो हम लोगों ने लगाए जो जाकर के वो सारे के सारे चेक बाउंस हो गए। इसने कहीं है तो चेक उनमें है तो किसी में गलत साइन करके दिया, किसी में है तो स्टाफ लग करवा दिया, स्टाफ पेमेंट करवा दिया, इस तरह से सारे चेक हम लोगों के IDBI बैंक के थे और सारे के सारे बाउंस हो गए। ये कहाँ का था आरोपी रहने वाला? आरोपी है विद्यासागर वार्ड है तो ये फुआरा चौक। क्या पनागर व्यापारी संघ के कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने शिकायत की कि मुकुल जैन निवासी पनागर द्वारा व्यापार के सिलसिले में हमें लाभ प्रदाय करने के लिए हमसे पैसे ले लिए और उसके बाद उसने पैसे वापस नहीं किए। पैसे मांगने पर उसने कई बार आनाकानी की और फिर चेक दिए जो उसके खाते में बैलेंस नहीं होने से वो भी भुगतान उनको नहीं हो पाया। उस पर जांच पर हमने मुकुल जैन के विरुद्ध 420 चार्जशीट का अपराध पंजीबद्ध किया है और उसकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में विवेचना की जा रही है। सर, लगभग ऐसे कितने लोगों के साथ इसके द्वारा ये प्रॉब्लम? अभी हमारे पास लगभग 15 लोग आए हैं और उसमें 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का इसका व्यापारिक लेन देन था। सर, इसके ऊपर भी और कोई जांच की जा रही है? क्योंकि जानकारी जा रही है कि अन्य जगह भी जिले में कई लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है। अब ये संज्ञान में हमारे आया है मामला और इसमें जो है हम जांच करेंगे, जो जांच पे आएगा उसके हिसाब से और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला था? मुकुल जैन निवासी बनागर। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट।